जब सास ने खा ली हंसने वाली दवा। कुसुम अपनी बहू सुरभि और बेटे ऋतिक के साथ रहती थी। कुसुम के पति सुरेश काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर ही रहते थे। एक दिन वो अपने घर आए और कुसुम के लिए बहुत सारी दवा लेकर आए। भाग्यवान, कहाँ हो तुम? अरे आ गए आप, इस बार बहुत दिनों में आए। और मैंने आपको जो घुटनों के दर्द की दवाई लाने के लिए कहा था वो तो लाए हैं ना आप? हाँ हाँ, तुमने जो भी कहा था वो सारी चीजें ले आया हूँ, बस अब एक गिलास पानी तो पिला दो। सुरभि, ए सुरभि, एक गिलास पानी तो लाना। सुरभि जल्दी से पानी लेकर आती है। सुरेश सुरभि के सर पर हाथ रखता है और उसका हालचाल पूछता है। बहू, ये तुम्हारी सास के लिए मैं कुछ दवाई लाया था, तुम देख लो ये दवा। तुम्हारी सास तो है बुलक्कड़, किसी और दवाई की जगह कोई और दवाई खा लेगी तो लेने के देने पर जाएंगे। सुरेश एक एक करके सुरभि को दवाई बताने लगा। देखो, ये घुटने के दर्द की दवा है, ये घुटनों के दर्द के लिए मालिश का तेल है, रोज रात को मालिश करनी है इससे। ये बीपी की दवा और ये कमर दर्द की। एक दवाई की शीशी हाथ में लेकर कहते हैं। लेकिन ये दवाई किस चीज की है? लगता है मेडिकल वाले ने गलती से दे दिया। सुरेश कुछ दिन अपने घर वालों के साथ रहता है और फिर शहर से बाहर चला जाता है। सुरभि रोज अपनी सास को दवाई दे देती है, लेकिन एक दिन वो घर के काम में बहुत व्यस्त होती है और अपनी सास को दवाई देना भूल जाती है। लगता है सुरभि को आज बहुत ज्यादा काम है। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही दवा ले लेती हूँ। अरे वाह, ये दवाई तो बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ी सी और पी लेती हूँ। इस तरह कुसुम थोड़ी थोड़ी करके हंसते वाली दवाई की पूरी बोतल ही पी लेती है। माँ जी, आज मेरे मायके वाले आ रहे हैं, भैया का फोन आया था। क्या कहा, मायके वाले? अरे तो तू यहाँ क्यों खड़ी है? खाने में कुछ अच्छा सा बना ले। माँ जी, आप इतना हंस क्यों रही हो? आप मेरे मायके वालों का मजाक तो नहीं बना रही हो ना? नहीं नहीं नहीं, मैं कहा मजाक बना रही हूँ। मैं तो बस बता रही हूँ। माँ जी, आप झूठ भी बोलती हैं, आप अभी तो हंस रही थी। कुसुम हंसती ही रहती है। सुरभि वहां से चली जाती है और खाने की तैयारी में लग जाती है। थोड़ी देर बाद सुरभि का भाई और सुरभि की माँ आते हैं। कुसुम उन्हें अंदर बिठाती है और अपनी सास को बुला लाती है। समधन जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे? आंटी जी, आप इतना हंस क्यों रही हो? मैं कहाँ हंस रही हूँ बेटा। जब कुसुम लगातार हंसी जा रही थी तो उन्हें इंसल्ट फील हुई और वे वहाँ से जाने लगे। अच्छा बहन जी, हम चलते हैं, आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरभि की माँ जा ही रही थी तभी उसका पैर फिसल गया और वो बहुत तेज गिरी। माँ, आप ठीक तो हैं? अरे बहन जी, आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी ना? आप मुझसे पूछ रही हैं या मेरा मजाक उड़ा रही हैं? बहन जी, पहले तो आप इतनी बदतमीज नहीं थी, लेकिन अब क्या हो गया है आपको? माँ, आप ठीक तो है ना? अंदर चलिए, मेरे कमरे में आराम कर लीजिए। नहीं सुरभि, हम जा रहे हैं, हमें अपना मजाक और उड़वाने का शौक नहीं है। और सुरभि, तुम अपनी सास का इलाज कराओ। इस तरह सुरभि के मायके वाले चले गए तो सुरभि का गुस्सा चौथे आसमान पर था। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपने मेरे भाई और मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? अगर आपको उनका यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो आप मुझसे बोल देती, इस तरह उनकी इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? नहीं बहू, मैंने कुछ नहीं किया। अरे भला मुझे क्या पड़ी है जो तेरे घर वालों का मजाक उड़ाऊंगी? देखिए देखिए माँ जी, आप अब भी हंस रही हैं, आपसे तो बात करना ही बेकार है। सुरभि वहां से चली जाती है। अगली सुबह सुरभि को बहुत तेज बुखार हो जाता है और कुसुम उसे आवाज लगाती हुई उसके कमरे में जाती है। सुरभि, सुरभि, क्या हुआ, अभी तक सो रही हो तुम?
क्या हो गया? माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है। अच्छा, ठीक है, रितिक को बुलाती हूँ। माँ जी, मुझे बुखार आ रहा है और आप हंस रही हैं। अरे नहीं बहू, मैं कहाँ हंस रही हूँ। वो तो मेरी हंसी रुक ही नहीं रही। माँ जी, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो मैं आपका कितना ख्याल रखती हूँ और आप मुझ पर हंस रही हो। चली जाओ आप यहाँ से। बहू सुन तो सही। नहीं माँ जी, आप जाओ यहाँ से। अब तो आपके बेटे ही आपसे बात करेंगे और मैं पापा जी को भी बताऊंगी कि आजकल आप क्या कर रही हैं। जब ऋतिक घर आया तो सुरभि ने उसे सारी बात बताई। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। माँ तो तुमसे बहुत प्यार करती है, फिर वो तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का मजाक क्यों उड़ाएंगी? खैर अभी छोड़ो इस बात को, अभी तो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी दवाई ले आते हैं। कुछ दिन में सुरभि ठीक हो गई। एक दिन ऋतिक को पता चला कि उसके मौसी के बेटे राहुल की तबीयत बहुत खराब है, तो वो अपनी माँ और पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। मौसी जी, कैसे हैं राहुल भैया? बेटी, इतने दिन हो गए मेरे राहुल को बीमार हुए, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा। अरे छोटी, हुआ क्या है राहुल बेटे को? कुछ बता तो सही। माँ, आप हंस क्यों रही हो? कहाँ हंस रही हूँ बेटा। मैं तो अपनी बहन के बेटे के लिए परेशान हूँ। माँ, ये क्या तरीका है? रहने दे बेटा, ये तो मैंने सुना था कि मुसीबत में साया भी साथ छोड़कर चला जाता है। आज मैंने देख भी लिया। अरे नहीं बहन। मैंने ऋतिक और राहुल में ना कभी कोई फर्क नहीं किया। फर्क तो दिख रहा है कुसुम दीदी, अगर आपके बेटे की तबीयत खराब होती तो आप ऐसे हंसती क्या? ऋतिक बेटा, ले जा अपनी माँ को यहाँ से। ऋतिक बहुत गुस्से में अपनी माँ से बात करने लगा, लेकिन कुसुम तो सिर्फ हंसे ही जा रही थी। ऋतिक ने अपने पापा को फोन करके बुलाया और उन्हें सारी बात बता दी। बेटा, तेरी माँ तो अपने घर वालों से बहुत प्यार करती है और वो बहुत समझदार है, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। जरूर कोई ना कोई बात है, कल मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। शाम को खाना खाने के बाद सुरभि कुसुम को दवाई देने के लिए गई तो उसने देखा कि दवाई की वो बोतल तो बिल्कुल खाली थी जो सुरेश गलती से ले आया था। सुरभि ने वो बोतल सबको दिखाई। अरे ये दवाई तो गलती से आ गई थी और मुझे तो पता भी नहीं कि ये किस मर्ज की दवाई है। कुसुम, क्या तुमने ये दवाई पी थी? हाँ जी, एक दिन जब बहू काम में लगी थी ना तो मैंने ये दवाई पी कर देखी थी। मुझे दवाई बहुत स्वादिष्ट लगी तो मैंने सारी पी ली। माँ, आपको दवाई स्वादिष्ट लगी? अरे आप भी बच्चों जैसी बात करती हो, ऐसे कोई भी दवाई नहीं पीनी चाहिए, इससे कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मैं अभी डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ। ऋतिक डॉक्टर के पास गया और कुछ देर में वापस घर आकर सबको बताया। माँ ने जो ये दवाई खाई है ना, ये हंसने वाली दवाई है और माँ ने एक साथ बहुत मात्रा में दवाई खाई है, तो इसका असर थोड़े समय तक तो रहेगा, उसके बाद माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा हुआ जो तू डॉक्टर से पूछ कर आया, नहीं तो हंसते हंसते मेरा पेट ही दुख गया। तुम जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती घर पर ही रहना, और घर पर कोई मेहमान आए तो उससे बात मत करना। आप ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा ही करूंगी। अब मैं बिल्कुल हंसूंगी। कुसुम की बात सुनकर सभी हंस